ना सर, सही साथ मैंने एक जो फिल्म देखी है उसका नाम है जुगेटो। इस फिल्म में जो हीरो होता है वो एक्चुअली एक कंपनी में मैनेजर होता है, लेकिन लॉकडाउन में उसकी जॉब चली जाती है। जॉब चले जाने के बाद 8 महीने तक उसके पास कुछ भी काम नहीं था। इसके बाद मजबूर में वो एक डिलीवरी ऐप का डिलीवरी बॉय बन जाता है। उसके घर में उसकी बीवी, 2 बच्चे और एक बीमार माँ होती है, और बीमार माँ बीमार होने की वजह से बार बार अपने बेड को गीला कर देती है। उसके बाकी रिश्तेदार उसके गांव में है और उसका हर एक दिन एक स्ट्रगल है। वो अगर फूड डिलीवरी लेने में लेट हो जाता है तो उसके ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं। एक दिन वो खाना खाने बैठता है और अपने ऐप को ऑफलाइन करना भूल जाता है। उसे अचानक एक ऑर्डर पड़ जाता है और वो खाना खाते खाते उस ऑर्डर को देने के लिए निकल पड़ता है और उसको खाना बीच में ही छोड़ देना पड़ता है। मानस अपना इनकम बढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और वो 10-10 ऑर्डर देने का प्लानिंग कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है और वो अपने स्ट्रगल में ही अटका रहता है। एक कस्टमर के साथ उसकी कुछ अनबन हो जाती है और वो कस्टमर उसका बहुत निगेटिव सा फीडबैक उस एप्लीकेशन पर दे देता है। मानस से पहले की भी कुछ ऑर्डर्स मिस हो गई रहती है। इन सब वजहों की वजह से एक दिन अचानक मानस का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। मानस को समझ में नहीं आता कि वो अपनी फैमिली को किस तरह पाले। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो घर के बाकी सब काम करने लग जाता है। उसकी बीवी इस बात को अच्छी तरह से समझती है। वो बॉडी मसाजर का काम करने की कोशिश करती है। वो एक मॉल में सफाई का काम करने के जॉब ढूंढने की भी कोशिश कर रही है। जब उसको समझ जाता है कि उसके हस्बैंड की नौकरी चली गई है तो वो ज़्यादा कोशिश करके मॉल का वो जॉब पाने में सफल हो जाती है। आजू बाजू की सब निगेटिव घटनाओं के बीच भी वो दोनों मॉल से आते समय अपनी गाड़ी पर बैठते हैं और वहाँ से एक रेलवे जा रही होती है। वो रेलवे के साथ वो रेस लगाने की कोशिश करती है। उनका ये करना उनका एक अपना स्टाइल है, रोज की जिंदगी के स्ट्रेस में से बाहर निकलने का स्टाइल। इस रेस वाले सीन के साथ मूवी तो खत्म हो जाती है, लेकिन उनकी लाइफ का स्ट्रगल खत्म नहीं होता है। मुझे कपिल शर्मा जी को नॉन कॉमेडी रोल्स में देखने में बहुत मजा आया। किसी भी सीन में ऐसा नहीं लगा कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। हर सीन में ऐसा लग रहा था कि ये सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है। फिल्म का डायरेक्शन आपके इंटरेस्ट को एंड तक बनाए रखने में सफल होता है। किसी भी टिपिकल फिल्म की तरह आपको इस फिल्म से वो कहानी खत्म होने वाली जो फीलिंग रहती है ना, वो नहीं आएगी। मूवी का एंडिंग थोड़ा सडन लगता है, अचानक हो गया ऐसा लगता है। मैं इस फिल्म को 10 में से 6 स्टार देता हूँ। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल एक नया यूट्यूब चैनल है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है। इस वीडियो के एंड में आने वाले एंड स्क्रीन की मदद से आप उन बाकी वीडियोज़ तक पहुँच सकते हैं। क्या यह फिल्म आपने ऑलरेडी देखी है? अगर देखिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसको 10 रेटिंग्स दे दीजिए, जिससे कि हमें भी समझे कि आपको ये मूवी कैसी लगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।